स्वागत है आपका HYD TV के प्राइम टाइम में। मैं हूं फरहाद। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पोचारम श्रीनिवास के माताजी की शोक सभा, KCR समेत अन्य TRS नेता ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलवामा अटैक के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन, हैदराबाद में भी कई संगठनों ने निकाले कैंडल मार्च। तेलंगाना सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के टीचर्स 8 महीनों से कर रहे हैं वेतन का इंतजार, 394 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने फिर वेतन जारी करने की लगाई गुहार। पुलवामा आतंकी हमले के बाद मुशायरे में व्यस्त रहने पर बीजेपी ने रहीमुद्दीन अंसारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, रहीमुद्दीन अंसारी ने दी सफाई। पुलवामा आतंकी हमले के बाद हुई ऑल पार्टी मीटिंग, हमले की निंदा का प्रस्ताव पारित, प्रधानमंत्री ने कहा छिप नहीं सकते आतंकवादी संगठन। और अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना सरकार द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों में लगभग 394 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, हालांकि उन्होंने सरकार को कई बार दरख्वास्त भी की है और शिक्षा विभाग के सामने विरोध भी किया है, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार जंगल गांव में चौधरम मॉडल स्कूल में एक व्यावसायिक शिक्षक ने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को कई प्रतिनिधित्व दिए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई परिणाम नहीं देखा है। जब भी उन्होंने वेतन के लिए स्कूल को ऑर्डिनेटर से अनुरोध किया है तो उन्हें उल्टा ये कहा गया है कि वे नौकरी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से हमारे जॉब का शोषण किया जा रहा है। हमें शेड्यूल के अनुसार दिन में केवल 2 घंटे उपस्थित होना चाहिए। हम कर्मचारियों की कमी के कारण 8 कक्षाएं ले रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास के माताजी की तस्वीर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि पोचारम श्रीनिवास के माता परिगे पापवा का इस महीने की 5 तारीख को निधन हो गया था, जिसके तहत आज बांसवाड़ा के ग्राम पोचारम में स्थित पोचारम श्रीनिवास के आवास पर एक शोक सभा आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री KCR के साथ इस अवसर पर TRS के अन्य नेता भी उपस्थित थे। पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हैदराबाद स्थित जलविहार से पीपल प्लाजा तक CRPF के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें CRPF के अधिकारियों समेत मीडिया कर्मियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर शहीद जवानों को भरपूर श्रद्धांजलि दी गई। हैदराबाद में चारमीनार के दामन में कल रात साउथ जोन पुलिस की ओर से पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मिडनाइट विजल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम एंड SIT शिखा गोयल और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे, जबकि 70 से अधिक घायल हो गए थे। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन की तरफ से आज ये पुलवामा में हुआ जो अटैक है, उनको अमर वीरों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए ये मिडनाइट विजिल कैंडल लाइट प्रोसेशन चारमीनार से पुलिस ऑफिसर्स और आवाम के साथ हमने किया। हमारा सल्यूट उन सभी हमारे शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा में अपने जान न्यौछावर करी, मैक्सिमम एक्सट्रीम सैक्रिफाइस जो है वो दिया। उनका ये सैक्रिफाइस हम हमेशा याद रखेंगे, उनका ये सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। तेलंगाना के एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि हर एक भारतीय को पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसके लिए हर एक नागरिक को मरने के लिए या मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा सिंह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए आयोजित कैंडल मार्च में ये बातें कही। ये रैली बीजेपी और हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय से निकाली गई। इसी क्रम में कल हैदराबाद शहर में अनेक जगहों पर शहीद जवानों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की गई।
तेलंगाना में दूसरा और देश का तीसरा ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। 154 फीट का ऊंचा तिरंगा करीमनगर शहर के मल्टीपर्पज हाई स्कूल ग्राउंड में सांसद विनोद कुमार ने फहराया। इस तिरंगे को तैयार करने में 76 लाख रुपए खर्च आए हैं। करीमनगर के महापौर सरदार रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद विनोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद विनोद कुमार ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत के साथ अनेक देश आजाद हुए मगर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 30 सालों में भारत देश विकसित करेगा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देशवासियों में गुस्सा है। इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई है। राजनेता, फिल्मी सितारे और भारतवासी हर कोई इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद में व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि ये वीडियो अतापुर डी मार्ट का है जहां पुलिस ने एक आतंकी को बम रखने के समय गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सच नहीं है। HYD TV ने इस वीडियो की पड़ताल की है और पता लगा कि ये वीडियो मुंबई के विरार इलाके का है जहां मुंबई पुलिस ने मुंबई वासियों की सुरक्षा की स्थिति जांचने के लिए एक काउंटर टेरर मॉक ड्रिल किया। 3 घंटों तक चले इस मॉक ड्रिल को कुछ लोग सचमुच का आतंकी हमला समझ बैठे, जिस वजह से वहां मौजूद लोगों ने घबराहट में आकर वीडियो बनाया और इस वीडियो को व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर आतंकी हमला बताकर वायरल कर दिया। किसी ने वीडियो के साथ लिखा कि पुलिस ने मॉल में बॉम्ब रखने आए आतंकी को धर दबोचा, तो किसी ने इन वीडियो को मुंबई में आतंकी हमला बताकर शेयर कर दिया और हैदराबाद में तो लोगों ने इसे अतापुर डी मार्ट का बताकर शेयर कर दिया, जो बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को चाहिए कि ऐसे वीडियोस को शेयर करने से पहले खुद जांच कर लें या फिर ऐसे वीडियोस को शेयर करना बंद कर दें। 79th ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ग्राउंड स्थित गांधी सेंटेनरी हॉल में बोनसाई प्लांट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। लेडीज क्लब की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन तेलंगाना सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सी पार्था सारथी ने किया है। इस अवसर पर पूर्व सेक्रेटरी अश्विनी कुमार के अलावा लेडीज क्लब के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पार्था सारथी ने इस अवसर पर बात करते हुए इस तरह की प्रदर्शनी के आयोजन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए बोनसाई प्लांट्स के चरित्र पर प्रकाश डाला। इस प्रदर्शनी में कई किस्म के बोनसाई वृक्षों को प्रदर्शित किया गया है। हैदराबाद नगर के सड़कों और फुटपाथ पर अवैध निर्माण के खिलाफ GHMC की मुहिम जारी है। GHMC की ओर से कुकटपल्ली के विभिन्न इलाकों में इस मुहिम के तहत सड़कों और फुटपाथ पर उपस्थित अवैध निर्माण को गिराया गया। इस इलाके में ये मुहिम को अंजाम देने के लिए GHMC के 6 टीमों का गठन किया गया है। रचाकोंडा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 94 तोले के सोने के आभूषण, 2 मोबाइल फोन, 1 जाली नंबर वाली TVS वेगो गाड़ी जब्त कर ली, जिनकी कुल राशि 32 लाख रुपए बताई जा रही है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने मीडिया के समक्ष गिरफ्तार किए गए अपराधियों भारत भूषण बंसल और मथुरा प्रसाद को पेश करते हुए केस की मानवाद दी। मिर्यालगुड़ा पुलिस ने राइस मिल मालिकों से कथित रूप से ब्लैकमेल करने और पैसे निकालने के आरोप में अपने आप को न्यूज रिपोर्टर बताने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कथित रूप से राइस मिल मालिकों से उनके बारे में फर्जी खबरें लिखने की धमकी देकर पैसे ऐंठे। उन्होंने कथित तौर पर 2 तेलुगु राज्यों के लोगों से ऐसे ही पैसे निकाले हैं। आरोपियों की पहचान आर नागेश्वर राव और उसके 2 साथी वी मुरली 40 वर्षीय और एम राम रामकृष्ण 30 वर्षीय के रूप में हुई है। ए श्रीनिवास मिर्यालगुड़ा के पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपियों ने संवाददाताओं के रूप में अपने आप को पेश किया था और हाल ही में मिर्यालगुड़ा में सागर रिंग रोड पर एक राइस मिल का दौरा कर राइस मिल के मालिक को धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे नकली न्यूज लिखेंगे। मिल मालिक ने इस डर से उन्हें पैसे दे दिए। ये घटना तब सामने आई जब मालिक ने स्थानीय संवाददाताओं से संपर्क किया और जबरन वसूली के बारे में बताया। स्थानीय पत्रकारों ने बदले में पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 420 और 384 IPC के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की और आखिरकार उन्हें खम्मम से गिरफ्तार किया गया। तीनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और
पुलिस ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मिर्यालगुड़ा वन टाउन पुलिस साई प्रताप राइस मिलो विलेकर् संघाल प्रतिजन अटू राइस मिल यजमा मैं डैरी आविष्क चंदा इवाले अत बेदरी जी विषय तेजकने स्थाक विलेकर् पुलिस वाल की दृष्टि की तस्क्रम जी विषय मीद मिर्यालगुड़ टू टाउन वन टाउन पुलिस क्राइम नंबर 22/19 क बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष इनायत अली ने आज हज हाउस में उर्दू अकादमी के अध्यक्ष रहमुद्दीन अंसारी और एग्जीक्यूटिव अफसर एस ए शुकूर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर इनायत अली ने दोनों पर कई इल्जाम भी लगाए। चौदह फरवरी को सारा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ था। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी और मोहम्मद शुकूर उन लोग अपने खुशी गजल सुनते हुए अपना टाइम वो कर रहे थे, जबकि सारा हिंदुस्तान कोई अपना भाई खो चुका था, कोई अपना बाप खो चुका था, कोई बेटा खो चुका था। और लिहाजा अपनी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए रहीमुद्दीन अंसारी अपना इस्तीफा फौरी दे दे, वरना एहतजाज शिद्दत से करेगा। दूसरी ओर उर्दू अकादमी के अध्यक्ष रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि वो पुलवामा में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और इस आतंकी हमले के खिलाफ उन्होंने तेलंगाना भर में होने वाले मुशायरों और अन्य प्रोग्राम्स को स्थगित कर दिया है। हालिया जो वाकया हुआ, हमारे जो फौजी जवान जो शहीद हुए, तो उस सिलसिले में चूँकि हुकूमत हिंद भी जो है शोक मना रही है 4 दिन का, तो उर्दू अकेडमी की जानिब से जो मुशायरा यानी इतवार को 17 फरवरी को महबूब नगर में मुनक़िद होने वाला था, उसको जो है मुलतवी कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि हमारे फौजी नौजवान जो हिंदुस्तान की जो है शहरग होते हैं और हिंदुस्तान के लिए जो है अपने कुर्बानियाँ देते हैं, सड़क के महाफिज हैं, हमारे महाफिज हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है वो अपनी जान तक देते हैं, तो उनके जो है शहादत पर, उनके जो है आनजहानी होने पर हुकूमत ने भी ऐलान किया है और उर्दू अकेडमी की जानिब से भी हमारा जो मुशायरा कल मुनक़िद होने वाला था यानी 17 फरवरी और शाम में 8:30 बजे मुनक़िद होने वाला था, उसको हम लोगों ने मुलतवी कर दिया है। पुलवामा अटैक के शहीदों के पार्थिव शरीर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में स्थित उनके घर पहुंच गए हैं। शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। वाराणसी के तोफापुर गांव में सीआरपीएफ जवान शहीद रमेश यादव के अंतिम संस्कार के लिए हजारों की भीड़ हाथों में तिरंगा लिए पहुंची। वहीं शहीद रोहिताश का पार्थिव शरीर राजस्थान के जयपुर स्थित गोविंदपुरा पहुँचा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीआरपीएफ जवान मोहन लाल के पार्थिव शरीर को लाया गया। उनकी शहादत को सलाम करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई बड़े नेता पहुंचे हैं। कर्नाटक के मांड्या गांव में भी शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में शहीद जवान प्रदीप को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ भी कई नेता जवान की शहादत को सलामी देने के लिए पहुंचे थे। पुलवामा की शहादत पर पूरे देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना से कहा है कि वो बदला लेने के लिए जगह और वक्त अपने हिसाब से तय कर ले। इस बीच दहशतगर्दी की इस नापाक करतूत का किस अंदाज में जवाब दिया जाए, इसे लेकर सरकार ने संसद में सभी पार्टियों के नेता सदन के साथ मंथन किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में संसद भवन में बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सभी दलों के नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि वो देश और सरकार के साथ खड़े हैं। बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इस घड़ी में उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। सभी दल के नेताओं ने चर्चा भी की और सब देश के और सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और हम जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं।
भारत सरकार ने आतंकवाद और उसे समर्थन वाली देने वाली ताकतों से सख्ती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। यह कायराना हमला आतंकवादियों की इसी हताशा को दर्शाता है। देश इस समय आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को अंतिम परिणति तक हम पहुंचाएंगे। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यवतमाल की रैली से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा में आतंक के जिन सरपरस्तों ने गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के एक दिन बाद ही भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में शनिवार तड़के कुछ गड़बड़ी सामने आ गई। इंजीनियरों द्वारा गड़बड़ी को सही करने की कोशिश की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है। ये घटना उत्तर प्रदेश में टुंडला जंक्शन से करीब 15 किलोमीटर दूर हुई। ट्रेन 17 फरवरी को पहले फेरे के लिए तैयार होने के बाद वाराणसी से लौट रही थी। उत्तरी रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने कहा, ये मवेशी सामने आने का मामला है जिसकी वजह से पहिए फिसलने की दिक्कत आई है। इंजीनियर इसे ठीक कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अवरोध हटाने के बाद ट्रेन ने सुबह करीब 8:15 बजे फिर से दिल्ली की यात्रा शुरू की। प्राइम टाइम में ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। अन्य समाचार और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HYD TV।